देश की केंद्र सरकार द्वारा ज्यादातर संस्थाओं को प्राइवेट किया जा चुका है, लेकिन हालात आज भी जस की तस है। लगातार कर्मचारियों का शोषण होता रहा है और आज भी हो रहा है और व्यवस्था सुधारने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही एक मामला TSS डिंगवाही से सामने आया है, जहाँ कार्यरत कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा कई महीने से ना तो वेतन दिया गया है और ना ही PF फंड, जिसको लेकर आज कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया और समय से वेतन न मिलने पर अनशन की चेतावनी भी दी है। सरकार द्वारा ठेके में दिए गए TSS ऑपरेट करने के लिए एवं SI अनुरक्षण हेतु नियुक्त किए गए निजी कर्मचारियों को पिछले 18 मई से PF एवं पिछले 4 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जबकि सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से करते आ रहे हैं। इसके बावजूद भी कभी भी समय पर वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। हर बार बाद में वेतन देने का झांसा देकर धोखा दिया जाता है, जिससे सभी कर्मचारी मानसिक रूप से परेशान हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, खाने पीने एवं जीवन यापन में समस्या आ रही है। इन समस्याओं का समाधान करने हेतु कई बार रेलवे के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, परंतु अभी तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है और उच्च अधिकारियों को जो पत्र भी दिए गए हैं उनके पत्रों का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। देखिए एक रिपोर्ट। नाम भाई साहब आपका? हमारा रत्नेश सिंह नाम है। ये कौन सी जगह है? और ये डिंगवाही TSS है, जिस पे हम लोग यहाँ पे हम टेक्नीशियन पद पे हैं यहाँ पे। और हम लोगों का वेतन जब से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ से, जिसमें 2 साल इसके पूरे होने जा रहे हैं, ठेकेदार का दो महीने 3 महीने और बचे हैं। 2 साल में इतने वादे किया, पेमेंट नहीं दिया, जिसमें हम लोगों का किसी का 5 महीने का, किसी का 6 महीने का इस तरह पेमेंट पड़ा है। हम लोग पेमेंट के लिए बात करते हैं, उच्च अधिकारियों से बात करते हैं, वो भी समझा देते हैं कि भाई आ जाएगा, पेमेंट क्या है आ जाएगा, लेकिन ठेकेदार से जब बात करते हैं तो ठेकेदार सिर्फ डेट भर देता, आश्वासन देता है, पेमेंट नहीं देता। कई बार हम लोगों ने पत्र के द्वारा सूचित करवाया साहब लोगों को, लेकिन फिर भी उसका कोई निदान नहीं हुआ है। और PF जब से हम लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, 2 साल होने जा रहे हैं, तो 6 अप्रैल 2021 से हम लोग इस ठेकेदार के टेंडर में हम काम कर रहे हैं, तब से हम लोगों को अभी तक PF नहीं दिया गया, जो कि PF का प्रावधान है, लेकिन PF अभी तक नहीं आया। बोलने पर PF पैसा काट लिया जाता है पेमेंट से ही, 12,000 के पेमेंट से, लेकिन उसको दिया नहीं जा रहा है। और हम लोग सब बस धांधा करती है, ठेकेदारी की धांधा करती चल रही है, अधिकारियों को अपना मिला जुला के अपना काम करते हैं और बस यहाँ लेबर मर रही है। आखिर आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सर ऐसा है कि जैसे जब तक था तब तक झेल रहे थे, अब नहीं झेला हो रहा है। हम लोग भुखमरी की कगार में हैं, सब लोग परेशान हैं, कोई कोई दूर से यहाँ पड़ा है, खाने पीने के लिए नहीं, अपनी जेब से खा रहे हैं, पी रहे हैं, कर्जे नहीं लेके खा रहे हैं। जब ठेकेदार से बताओ तो कहते हैं ठीक है आ जाएगा, लेकिन आता नहीं है, इस तरह चल रहा है। कुल कितने लोग हैं आप लोग जो इस समय कार्यवाहिष्कार किए हैं? लोग TSS कर्मचारी हैं, जिसमें से 4 मेंटेनेंस कर्मचारी हैं, टोटल 10 कर्मचारी हैं यहाँ के अभी फिलहाल। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर आप क्या करेंगे? सर धरना करेंगे, ऊपर तक और जाएंगे, जहाँ तक हो सकेगा करेंगे, लेकिन न्याय के लिए लड़ेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम सिंह है। कौन सी जगह है ये? ये है डिंगवाही डिपो, यहाँ ये पीछे आपके TSS बना है, यहाँ से रेलवे को विद्युत सप्लाई होती है, एक तरह का पावर हाउस आप कह सकते हैं। आज आप लोग कार्य बहिष्कार किए हैं, क्या कारण है कार्य बहिष्कार करने का? कार बहिष्कार का कारण मेन है, यहाँ पे हम सभी लोग रेलवे द्वारा प्रधान श्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा निजीकरण कराया गया है रेलवे का, उसके द्वारा एक ठेकेदार को यहाँ का ठेका दिया गया, टेंडर मिला है रेलवे द्वारा, और उस टेंडर के अंतर्गत हम सभी लोग पिछले 2 साल से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। और नौकरी के दौरान हमें ठेकेदार द्वारा समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है, पिछले 6 माह हो चुके हैं, आज तक हमको वेतन नहीं मिला कभी भी टाइम से। और जब भी वेतन की बात करूँ वो एक नया बहाना बना देता है और हमको वेतन नहीं देता, जिसके कारण अब हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूर होकर के आज कार बहिष्कार करने यहाँ पे सब लोग उपस्थित हुए हैं। लगभग कितने दिन से ये समस्याएं हैं? जब से इन्होंने टेंडर लिया तभी से ये समस्याएं हैं। जब पहली बार हमारा वेतन आया 3 महीने में, 1 महीने का दिया, 2 महीने का बकाया, फिर उसके बाद कभी 4 महीने हो गए, फिर 1 महीने का डाल दिया, इसी तरह आज की डेट में हमारा 6 महीने का वेतन बचा था। कितने लोग परेशान हैं? ये हम लोग यहाँ पे TSS पे 10 लोग हैं टोटल। सभी का वेतन नहीं आया? किसी का भी वेतन समय पे नहीं। क्या इसकी जानकारी आपने उच्च अधिकारियों से करी? हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने झांसी यहाँ पे यहाँ से झांसी डिवीजन के जो अधिकारी हैं हमारे, उनको हमने अवगत कराया,
और फिर इसके बाद हमने ए ई साहब को अवगत कराया। इसके बाद यहाँ पे जो है सीनियर सेक्शन इंजीनियर श्री यज्ञदेव जी, उनको भी कई बार हमने पत्र द्वारा किया, फिर इसके बाद हमने कई बार रजिस्ट्री करके भी इनको अवगत कराया, मगर हमारी समस्याओं का कभी भी समाधान नहीं हुआ। ठेकेदार द्वारा एक पत्र लिख कर दे दिया जाता है कि हम दीपावली के बाद कर देंगे। दीपावली के बाद उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारा वेतन समय से हर माह की 20 तारीख को आएगा। 20 तारीख बीत जाने के बाद भी कभी वेतन समय पर आज तक नहीं आया, और जब से हम ड्यूटी कर रहे हैं तब से आज तक हमारा आज तक का कभी पीएफ नहीं दिया गया है, एक बार भी पीएफ नहीं दिया गया है। अब सब लोग इतने लोग हैं, अब बताइए हमको पूर्ण वेतन भी नहीं दे रहा है ठेकेदार, जो हमारा रेलवे से वेतन निर्धारित है वो वेतन नहीं दे रहा है। हमारा प्रतिदिन का वेतन 832 रुपये होता है, मगर इसमें जिसमें हमें ठेकेदार 12,000 रुपये का मंथली देता है और उसी में पीएफ काट रहा है, काट लेता है पीएफ, मगर आज तक उसने पीएफ नहीं दिया हम लोगों को। यदि आपको न्याय नहीं मिला या आपकी सैलरी अगर नहीं सुनी जा रही सुनना समस्या, तो आप क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं आप? अब हम लोग सब कुछ जब ऊपर के रेलवे के सारे कर्मचारियों को देकर परेशान हुए, तब हमने लास्ट में मीडिया द्वारा अपनी बातों को श्री माननीय प्रधानमंत्री जी के तक पहुंचाना चाहते हैं, रेलवे मिनिस्ट्री तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपने इसको ठेकेदारी के अंडर में कर तो दिया, कम से कम इसका शेड्यूल तो सही करिए, हम लोगों को वेतन तो कम से कम मिले। बेरोजगार हैं, बेरोजगार होने के बाद हमको यहाँ पे एक रोजगार मिला रेलवे निजीकरण के द्वारा, फिर उसमें पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। इतने बड़े आदमी होते तो काहे को 12,000 रुपये की नौकरी करते? 12,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं, उसमें भी अगर हमारा 6-6 महीने का वेतन मिल रहा है और 6-6 महीने वेतन नहीं मिल रहा है, तो बताइए कैसे जीवन यापन होगा? यदि आपकी समस्या नहीं सुनी गई तो क्या करेंगे आप? अन्यथा की समस्याओं के लिए हमने कार्य अभी तक ये जो कार्य है यहाँ पे हमने कार्य स्थगित कर दिया है। धरना देंगे, अब हमने कहा कि हम यहाँ पे धरना देंगे तो रेलवे द्वारा हमको किया जा रहा है कि हम तुम्हें आरपीएफ से पकड़वा देंगे, आरपीएफ आएगी तो तुम्हारी तुड़ाई करेगी, यहाँ पे तुम खड़े होकर कुछ कर नहीं सकते। आज पहला दिन है तो आज हम यहाँ ये आरपीएफ से तुड़वाने के लिए कौन धमकियाँ दे रहा है आपको? यहाँ के सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो है, क्या नाम है उनका? श्री यज्ञदेव जी।